इंदौर के होलकर स्टेडियम में दिल्ली और विदर्भ के बीच रणजी ट्रॉफी फाइनल मैच खेला जा रहा है। इस मुकाबले में दिल्ली की कमान ऋषभ पंत संभाल रहे हैं, क्योंकि मौजूदा सीजन के उनके कप्तान ईशांत शर्मा दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जा चुके हैं। ऋषभ पंत ने रणजी ट्रॉफी फाइनल में कप्तान के तौर पर उतरते ही सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पंत रणजी ट्रॉफी फाइनल में सबसे कम उम्र में कप्तानी करने वाले कप्तान बन गए हैं। ऋषभ पंत की मौजूदा उम्र 20 साल 86 दिन है। वहीं सचिन तेंदुलकर ने साल 1994-95 के फाइनल में मुंबई की कप्तानी की थी। उस वक्त सचिन की उम्र सिर्फ 21 साल 337 दिन थी। वैसे आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर अब भी सबसे कम उम्र में रणजी ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान हैं। सचिन के इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए ऋषभ पंत की दिल्ली टीम को विदर्भ के खिलाफ जीत हासिल करनी होगी। कप्तान के तौर पर तो ऋषभ पंत ने सचिन का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन एक बल्लेबाज के तौर पर उनके लिए मौजूदा सीजन अच्छा नहीं रहा। ऋषभ पंत ने मौजूदा रणजी सीजन में एक भी शतक नहीं लगाया। उनका सर्वाधिक स्कोर 99 रन रहा। ऋषभ पंत के बल्ले से सीजन में 39.71 के औसत से सिर्फ 278 रन निकले हैं। अब ऋषभ पंत के पास मौका है कि वो फाइनल में कप्तानी पारी खेल अपनी टीम को जिताएं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।